नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग ऑटो स्मार्ट में फिर से एक बार। मेरा नाम है मकरंद। आज हम डिस्कस करेंगे कि टर्बो इंजिन और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में डिफरेंस क्या होता है। जो लोग ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे व्हीकल्स पे टर्बो लिखा हुआ होता है, और जब भी हम नई कार खरीदने जाते हैं या फिर इंजन स्पेक देखते हैं तो उसमें टर्बो एस्पिरेटेड या टर्बो चार्ज इंजन लिखा हुआ होता है। तो एग्जैक्टली ये टर्बो इंजन क्या होता है आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि टर्बो चार्ज इंजन क्या होता है। एक नॉर्मल इंजन ही होता है, उसमें सिर्फ एक मैकेनिकल डिवाइस ऐड किया गया होता है जिसको हम लोग टर्बो बोलते हैं। टर्बो में क्या होता है, बेसिकली एक टर्बाइन लगा हुआ होता है, और जब हमारी गाड़ी 1500 से लेकर 2000 आरपीएम के ऊपर जाती है तब बहुत ही हाई स्पीड में एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलते हैं। तो उन एग्जॉस्ट गैसेस की एनर्जी टर्बो यूटिलाइज करता है, मतलब कि क्या करता है, उसमें एक टर्बाइन लगा हुआ होता है और दूसरे साइड में भी एक टर्बाइन लगा हुआ होता है। तो एक साइड का टर्बाइन जो होता है वो एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से घूमता है, मतलब कि उस टर्बाइन में से एग्जॉस्ट गैसेस को पास करते हैं और उस वजह से वो घूमने लगता है, और उसकी वजह से दूसरे साइड का टर्बाइन भी घूमता है। और दूसरे साइड का टर्बाइन जो होता है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, और वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में से फ्रेश एयर सक कर लेता है और उसको कॉम्प्रेस करके जो इंजन का एयर इनलेट होता है उसमें भेज देता है। तो इंजन को क्या रेडीमेड वहाँ पर एयर मिल जाती है। तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होते हैं उसमें क्या होता है कि इंजन एटमॉस्फेयर में से एयर लेता है, वो नेचुरली लेता है, लेकिन टर्बो पर क्या होता है, उसको रेडीमेड एयर मिल जाती है, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में एयर मिलती है। तो कॉम्प्रेशन भी वहाँ पे टर्बो में ज़्यादा अमाउंट में होता है, और उसकी वजह से जो पावर आउटपुट मिलता है गाड़ी का वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि टर्बो जो होता है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पावर जनरेट करता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के। यहाँ पे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं बलेनो का। बलेनो में आरएस मॉडल आता था, वो एक साल पहले ही बंद हो गया। तो आरएस मॉडल जो था वो 1 लीटर पेट्रोल इंजन में जनरेट करता था 103 bhp का पावर, और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। और जो नॉर्मल बलेनो है जो कि अभी भी चल रही है उसमें आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, और जो जनरेट करता है सिर्फ 83 bhp का पावर, और टॉर्क जनरेट करता है 113 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम। तो इतना डिफरेंस क्यों होता है, तो ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि बलेनो आरएस जो थी उसमें लगा हुआ था टर्बो। तो आप अभी समझ सकते हो कि एक डाउन साइज इंजन को भी हम लोग टर्बो लगा के, जो उससे भी बड़ा इंजन होता है उससे ज़्यादा पावर आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन एक ड्रॉबैक नहीं बोल सकते, यहाँ पे टर्बो इंजन जो होता है वो कम माइलेज देता है। तो इसे हम ड्रॉबैक इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जो लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कि जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट होते हैं जिनको माइलेज का फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन उनको अच्छी पावर चाहिए बस, तो उनके लिए इंजन बेस्ट होता है। और टर्बो जो होता है वो रेसिंग कार्स में भी यूज़ होता है। तो बेसिकली ये मेजर डिफरेंस होता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजिन्स का और टर्बो इंजिन्स का। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजिन्स में क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में से नेचुरली एयर सक कर लेता है। और एक बात, टर्बो इंजिन्स में जो होता है हमारा इंजन ऑयल जो होता है वो स्ट्रिक्टली उसका शेड्यूल फॉलो करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि इंजन बहुत ही ज़्यादा आरपीएम पे मूव करता है टर्बो इंजन में, तो इसकी वजह से जो होता है वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है और ऑयल जो होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमें जो टर्बो इंजिन होते हैं उसका पीरियोडिक मेंटेनेंस फॉलो करना पड़ता है, जो कि हम लोग नॉर्मल कार्स होते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजिन में हम लोग थोड़ा बहुत लेट कर सकते हैं, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उनमें। तो ये था मेजर डिफरेंस टर्बो इंजिन में और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजिन में। अब सवाल आता है कि आपको टर्बो इंजिन लेना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया, अगर आप लोग ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि गाड़ी माइलेज कितना दे रही है, आपको चाहिए बस पावर, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए टर्बो इंजिन, इसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। हाँ, हालांकि थोड़ी बहुत लाइफ कम होती है टर्बो इंजन की क्योंकि उसमें रोटेशन ज़्यादा होते हैं, तो साफ बात है कि इंजन की लाइफ भी कम होगी क्योंकि थोड़ा बहुत वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो इंजन के जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो जल्दी उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है लाइफ में, तो आप जा सकते हैं टर्बो इंजन के लिए अगर आपको चाहिए पावर। तो ये क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिया कि आपको लेना चाहिए नहीं। अभी बात करते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का भी मैंने आपको बताया कि वो कैसे वर्क करता है, उसमें टर्बो नहीं होता है, मतलब उसमें फोर्सफुली हम लोग एयर इनलेट नहीं करते, वो नेचुरली लेता है एटमॉस्फेयर में से, तो वहाँ पे भी ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है पावर, वहाँ पे भी अच्छी पावर मिल जाती है और
जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होते हैं टर्बो इंजन से थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं, मतलब कि उनका सीसी लीटर ज़्यादा होता है पावर, हालांकि वो कम जनरेट करते हैं लेकिन आपको ऐसा कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा वहाँ पे भी देखने को। तो दोस्तों ये था वीडियो टर्बो इंजिन के बारे में, उम्मीद करता हूँ अभी आपको समझ आ गया होगा कि टर्बो इंजिन क्या होते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजिन क्या होता है, ये काम कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक बार एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे फिट। जय हिंद।